अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है बीजिंग में फर्स्ट डे, क्या है मैं कहीं जा रहा हूँ घूमने के लिए। सो यहाँ पे आज 10th of February है और इनका न्यू ईयर है। इनका जो न्यू ईयर होता है वो लूनर कैलेंडर यानी चांद के कैलेंडर के मुताबिक होता है। तो मैं ऐसी जगह कोई देख रहा था जहाँ पे इनकी सेलिब्रेशन देख सकूँ, जहाँ पे थोड़ा इनका रश मश दे सकूँ, क्योंकि हॉलीडेज़ होती है, इनके जो हॉलीडेज़ है ये फैमिलीज़ के साथ गुजारते हैं, तो मैक्सिमम जगह पे आपको रश कश नहीं इतना मिलता है। लेकिन मेरे पास सिर्फ यही दिन थे बीजिंग विजिट करने के, इसलिए मैं इस मौसम में आया। वैसे जो बेहतरीन मौसम होता है वो जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, ये वाले जो महीने होते हैं, बट उस टाइम हमारी क्लासेस होती है और तब छुट्टियां इतनी नहीं मिलती कि बंदा बीजिंग आ सके। सो मैं इनके एक जगह जा रहा हूँ जिसको कहते हैं सुनलितुन सूहु, पता नहीं वो नाम एक दो बार पढ़ूंगा तो प्रोनाम सही हो जाएगा। सो अभी मैं चलता हूँ एंड आपको फिर वो सारा दिखाते हैं। मैं बेसिकली चांगशा से हूँ और चांगशा और बीजिंग में जो अभी तक सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने नोट किया है, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत कम है। चांगशा में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और वो अभी नया नया उन्होंने डेवलप किया है ना, नया नए से मुराद है अभी के इतने साल नहीं हुए जितने बीजिंग को डेवलप करते हुए, बीजिंग को बनाते हुए हुए, तो उसके रोड्स इतने वेल मैनेज, कुल्ले डुल्ले और ब्यूटीफुली मैनेज, और बाकी चीज़ें फिर ग्रीनरी जब बढ़ जाती है ना, इवन अभी वहाँ सर्दी है फिर भी इतनी ग्रीनरी है, लेकिन यहाँ पे ग्रीनरी नहीं है। बाकी यहाँ पे हाँ पॉपुलेटेड एरिया है तो हब्स है बहुत ज़्यादा, बट ओवरऑल अच्छा है। इस जगह का नाम पता नहीं मैं कब सीखूंगा, इसको कहते हैं सुनलितुन सूहु, मीन्स कि ये यहाँ पे एक किस्म का आप कह रहे हैं शॉपिंग मॉल्स होते हैं, और यहाँ पे तकरीबन कहते हैं कि 4 से 5 बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल आते हैं और यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते हैं। ये मेन जो एरिया है, मेन जो इनका मरकज़ है वो ये हैं, और काफ़ी खूबसूरत इनको बनाया है, डिज़ाइन किया है, अभी ये काफ़ी बड़ा है, हम सारा डिस्कवर करते हैं। फिर बताएं कैसे लगा, अच्छा है ना, पैसे वसूल हुए, काफ़ी खूबसूरत तरीके से शॉपिंग एरिया को बनाया गया है ईजीली, कोई इस तरह नहीं है कि बस एक बिल्डिंग है उसमें घूमो फिरो, नहीं, प्रॉपर सेक्टर टाइप है, बड़े बड़े ब्रांड्स है, शनेल, डियोर, ये एक और ब्रांड आज पहली मरतबा मैंने इधर देखा है, मार्क जेकोब्स। काफ़ी खूबसूरत शॉप्स बनाई हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं और काफ़ी यूनिक तरीके से ये पूरे एरिया को डिज़ाइन किया है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें घूम रहा हूँ। मैं सिर्फ विंडो शॉपिंग ही कर रहा हूँ, वो तो आपको पता है, आप जानते हैं मेरे बारे में, क्योंकि यार ये बहुत महंगे महंगे एक्सपेंसिव ब्रांड्स होते हैं, तो यहाँ पर सेल लग जाती है तो तब जाके शायद हम खरीद सकें, वैसे तो अब फोन का औकात नहीं है, साफ सी बात है, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ ताकि अगर आप जिधर भी बैठे हैं, जब जो जिन्होंने बीजिंग नहीं देखा, जिन्होंने ये देखा नहीं है कि बीजिंग कैसा है, वो आप मेरे व्लॉग के ज़रिए आप देख सकें। खैर एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये ब्रांड लेना भी हमारे लिए यूँ चुटकी की बात होगी, यूँ अल्लाह के उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है ख़जानों में, एक दिन ऐसा भी आ जाएगा, लेकिन एक बात लाजमी रखनी है कि हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है। आपको जैकेट्स वगैरह दिखाते हैं, आ जाओ यहाँ पे, जैकेट्स वगैरह के कैसे होते हैं, स्टफ कैसे होता है।
इसी तरीके से आपके लिए खूबसूरत सीनरी रिकॉर्ड की, यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का सराउंडिंग, यहाँ के शॉप्स, यहाँ के बिल्डिंग्स, यहाँ का एम्बियंस, एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। इसी ब्लॉग में आपके साथ सुबह मिलता हूँ, जहाँ मैं खाना खाने जा रहा हूँ एक बहुत ही फेमस पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो कि बीजिंग में है, जिसका नाम है खान बाबा। ये आपको लग रहा होगा जैसे पत्ते जमीन पे गिरे हैं, पत्ते नहीं, ये लाइट के जरिए पत्ते क्रिएट किए गए हैं। देखें ये ऊपर से जो लाइट आ रही है ये इसके जरिए, ये देखें नीचे पत्ते क्रिएट किए गए हैं। देखें ये लाइट है। सुबह खैर एंड वेलकम टू अनदर डे, अनदर बिगिनिंग एंड नई सुबह के साथ। आज मैं जा रहा हूँ खान बाबा, जो कि यहाँ का एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। हमारा यहाँ काफ़ी टाइम हो गया है कि हमने अच्छा पाकिस्तानी खाना नहीं खाया, लेकिन यहाँ पे दो बहुत फेमस रेस्टोरेंट है जिसमें एक जमजम है, एक खान बाबा है। आज मैं खान बाबा का खाना खाने जा रहा हूँ and I will show you how was my experience. थोड़ा सा ढूंढने के बाद फाइनली हमें मिला खान बाबा रेस्टोरेंट। और जैसे ही हम खान बाबा रेस्टोरेंट के अंदर गए, वॉलपेपर पे वो सारे पाकिस्तानी खाने देखकर मुंह में पानी आ गया। खान बाबा रेस्टोरेंट में उस दिन बुफे लगा हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। उसमें तमाम खाने थे, बहुत मज़े के खाने थे, फजूल आइटम कोई भी नहीं था, सारे वो आइटम थे जो लोग पसंद करते थे। सब्जी, कढ़ाइयाँ, उसके बाद आपका चावल एंड एवरीथिंग, मीठे में भी सब कुछ अवेलेबल था। समोसे देखकर बिल्कुल ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग आने शुरू हो गई, क्योंकि टोटली पाकिस्तान की फीलिंग थी। और मैंने अपना प्लेट रेडी किया, बहुत ज़्यादा मज़े का खाना था, आई रियली लव्ड इट। और मैंने एक मरतबा खा के उसके बाद दोबारा लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया खाना, एंड फुल पेट भर के खाया। इतना खाना मैंने अभी तक चाइना में नहीं खाया था जितना उस दिन खाया, एंड आई रियली इन्जॉय इट। द एम्बियंस, द इन्वायरमेंट, एवरीथिंग वाज वेरी गुड, प्राइस भी रिजनेबल थी, वहाँ का सराउंडिंग इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा था। इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, दुआ में याद रखें। अभी घूम रहा हूँ, ये एक किस्म का शॉपिंग एरिया है, और ये मैं फ्लोर पे बकायदा घूम रहा हूँ। और ये देखिए इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, देखें कितनी ऊंची बिल्डिंग्स है और जगह कितनी खूबसूरत है। और ये देखें मैं बिल्कुल फ्लोर पे घूम रहा हूँ, ये देखें फ्लोर है, लेकिन इसके नीचे भी बाकायदा पूरा फ्लोर बना हुआ है, बेसमेंट एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार बने होते हैं यहाँ पर। ये चीज़ आपको चाइना में हर जगह मिलेगी। If you like the video, please do like, share and subscribe, and मुझे आइडिया दिया करें कि आपको कैसे ब्लॉग्स देखने हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।